मैं भी सो रहा था अभी, मेरी मम्मी ने बोला कि मेरे बचपन के दोस्त की शादी है, तो मैंने उसके छोटे भाई को कॉल किया था अभी, तो बोल रहा है करके परसों ही। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि मिल के आ जाता हूँ, तो मैंने ज़्यादा गेटअप करा नहीं मिलने के लिए। मम्मी अपना वही ट्रक और पजामा जेब पजामा मैं निकल रहा हूँ। हाँ भाई हीरो, क्या हुआ, क्यों डांट मार रही थी आई था? क्यों डांट मार रही थी आई था? अच्छा अच्छा, क्या फील लाइक अ इवनिंग। सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ, दैट्स द फाइनल लुक। बेचारे राशन वाले खड़े हैं सबसे। वो मुझको गाली देने वाला बोल रहा था 5 मिनट में आएगा। एक्चुअली ना मेरे ये वाले शूज़ फट गए हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब वैसे हो गए, तो इसलिए मुझे भाग तो सकता नहीं हूँ, इसलिए मैं चल रहा हूँ। ये है चौधरी का घर। और गाइस काफ़ी दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ना आजकल शॉर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान है मेरा। IPL चल रहा है ना, इसलिए। कैसे हो अंकल? हाँ अंकल, घर के अंदर ही रहता था। हाँ बस थोड़ा थोड़ा निकलता रहता कभी कभी। वो दिन अंकल वो है जूस ट्रॉपिकाना का, ट्रॉपिकाना का है तो मैंने फ्रूटी ले लिए, ठीक है। एंड हम निकल रहे हैं, यू कैन सी द पिक्स प्लेस, वाव। चांद भी है उनके लिए, मैंने एक आर्किटेक्ट सोचा हुआ है, देखते हैं कभी बैठने का प्लान होगा उनको, काफ़ी बिजी रहते हो गाइस। एक्चुअली काफ़ी लोग ऐसा ही, केसरी के साथ ही नहीं सिर्फ मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि काफ़ी लोगों से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो फिर से लाइफ में ना, क्योंकि यार लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, ऐसा होता है। ठीक है, मोस्टली टाइम ना सोता ही रहता है। ऐसे ही होता है, देखो ना जब ब्लॉगिंग करने होता है तो काफ़ी एंजाइटी सी तो होती है, बट ठीक है यार आपको करना है, आपका पैशन है, ठीक है, तो आप करना ही पड़ेगा आपको, है ना। गाइस ये कॉलोनी याद रखना है, यहाँ पे बवाल होने वाला है कुछ दिनों। देख रहे हो सारी गाइस, अभी मैं बस निकल ही रहा हूँ और मैं रास्ता भूल गया था एक्चुअली, कहाँ है लोग थोड़ा इसका। गाइस देख रहे हो बारिश हो रही है। गाइस अभी हम लोग का डिसाइड हुआ है, लेट्स सी बारात में जाना है नहीं जाना करके, ठीक है। देखो बारिश की वजह से जाम हो गया गाइस थोड़ा सा। गाइस मैं अभी सब्सक्राइबर पटा रहा हूँ, देखो ये है गोल्डी भाई, तो इनसे सब्सक्राइबर बना रहा हूँ मैं इनको अभी। सो गाइस बीइंग अ ब्लॉगर आपको अपने दोस्तों के सामने हाथ भी जोड़ना पड़ता है भाई। एंड ही वाज अ शॉपकीपर। गाइज मैं बारात में नहीं जा पाया क्योंकि मेरा फोन खराब हो गया था, तो अब हम सीधा रिसेप्शन में आ रहे हैं। झुमके लगा लो ये। अरे अच्छा लगता है मम्मी। गाइज हम लोग निकल गए हैं, मैम मोहन किमान बसो हॉल अपने ना। तो गाइज ये वाली साड़ी मैंने मम्मी को गिफ्ट करी है, एक्चुअली मैं मम्मी को पटा रहा हूँ राइट कि मेरा एडमिशन करा दे लॉ में। तो हम लोग जस्ट एंट्री कर रहे हैं रॉयल गार्डन में राइट, दिस इज द सेम जिम वेयर आई यूज टू प्रैक्टिस फॉर गार्डन राइट। Thank you.
कैसे थी? बढ़िया। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ पहले अपने दोस्त से मिलाता हूँ, उसको देखाता हूँ। सो गाइस वो रहा दूल्हा जो मेरा दोस्त फोटो खिंचवाता। भाई फाइनली भुवन की शादी आ गए। तो हम 3 दिन से मिल रहे हैं, बोले कि कब जाएंगे भुवन की शादी में, और फाइनली और बढ़िया। सो गाइस सजावट देखो, वाओ। सो गाइस मैंने दही भल्ले ले लिए हैं, अब मैं इसे ट्राई करने वाला हूँ। इसमें भी डाल देना। सो गाइज ये मेरे बचपन के दोस्तों का ग्रुप है, तो ये लोग भी आ रखे हैं। क्या ले रही? बढ़िया, सही है। गाइज इस लड़की की मैं फोटो आपको छुपके से दिखाने वाला हूँ। ये लड़की हमारी कॉलोनी, मतलब हमारी गली की, मतलब कॉलोनी की काफी फेमस लड़की है। लाइक दिखने में तो ये सुंदर भी है काफी, तो उसकी मैं छुपके से वीडियो बना रहा हूँ। मैंने इसे काफी बार देखा है, मुझे नाम नहीं पता है इसका, बट मैं दिखा रहा हूँ आपको। फोटो फोटो